अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं YouTube फैमिली। गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अपने सुबह के काम से। अभी मैं उठी हूँ सोकर, अभी एक सफाई वगैरह करूँगी, उसके बाद खाने के बारे में कुछ सोचना है क्या बनाना है, तो खाना वगैरह बनाएंगे, फिर देखते हैं, फिर हम आगे व्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्या करते हैं आगे की रूटीन हमारी क्या होगी। तो ये देखें, अभी सब ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ी सफाई वगैरह करूँगी फिर सब, और कुछ हम सामान वगैरह भी पैक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम घर छोड़ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं पिंडी से। पिंडी में मैं रहती हूँ, यहाँ से हमारी पोस्टिंग, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो रही है कराची हब चौकी। तो फिर हो सकता है इसी महीने हम लोग चले जाएं यहाँ से। और ये घर है, मैं एक किराए के घर में रहती हूँ। ये देखिए, ये मेरा रूम है। अभी सब उल्टा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ। मेरा बेड है, इस सब हम पैकिंग में लगे हुए हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं। चले, मैं आज आपको अपना घर दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरा रूम है, अब यहाँ से बाहर जाएंगे। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का गेट है। यहाँ से जाएंगे, ये किचन, ये किचन है, यहाँ से आएंगे। सामने एक कमरा है, इसकी लाइट ऑन करती हूँ। एक कमरा ये है, ठीक है, दो कमरे इधर। देखिए, सारा सामान पैक करने के लिए बॉक्स मंगवा रही थी, बॉक्स में लेके जाएंगे सामान, इससे ना ख़राब नहीं होगा। तो ये बॉक्स है, कुछ सामान पैक कर लिया है, मेरे हस्बैंड ने शाम को आते हैं ऑफिस से, फिर आके पैकिंग में लग जाते हैं। बहुत मुश्किल है पैकिंग करना भी। देखिए कितनी अच्छी पैकिंग करी है, बहुत अच्छी पैकिंग करी है। ना पैकिंग, और एक बॉक्स ये वाला तैयार करा, इसको कितना अच्छा पैक किया उन्होंने, बिल्कुल प्लास्टिक वगैरह सब लगा कर, पानी वानी नहीं लगेगा, आराम से सारा इसमें, सारे बर्तन हैं किचन की, और भी घर की चीज़ें हैं सारे इसमें बंद करके रखी हैं, पूरा अच्छा सा पैक कर दिया ये। एक ये वाला हो गया, पैकिंग के लिए भी काफ़ी सामान चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, बहुत महंगा सामान पड़ा है पैकिंग का भी। एक ये है बना है, ये पलंग है, और अभी भी काफ़ी सामान रह गया है जिसको हम पैक करेंगे, सारा ऐसे बिखरा हुआ है। और ये देखिए, ये ओवन है, इसको तो मैं, हम लोग अपने साथ ही लेकर जाएंगे क्योंकि कांच का है ना, कहीं टूट जाए। और बिल्टी वाले तो उठा उठा के फेंकते हैं, कुछ पता नहीं ख़राब हो जाए, तो इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और बाकी ये तीन बॉक्स हैं, अब इसकी भी पैकिंग आज शाम को आएंगे तो करेंगे। देखिए, इसमें भी कुछ रखा रखेंगे, दो बॉक्स ये हैं, ठीक है। ये कमरा है, जब सामान धरा पैक कर लेंगे तो फिर ये है कि मैं सोच रही हूँ घर की अच्छी सी सफाई करके, बिल्कुल क्लीन घर करके फिर हम जाएंगे यहाँ से, ऐसे गंदा छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत से होते हैं किराएदार,
लाइट बंद करके मैं ज़रा चलती हूँ दूसरे रूम। चलो बहुत से किराएदार देखें, अभी सब घर उल्टा पड़ा हुआ है, अभी मैं सफाई करूँगी इसकी। तो हाँ, बहुत से किराएदार होते हैं कि वो जैसे ना घर शिफ्ट करते हैं तो अपना सारा सामान पैक करके ले जाते हैं, वो घर जैसा उल्टा पड़ा हुआ होता है वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। एक तो ये प्याज वाला बहुत शोर मचा रहा है, जाए फिर बात करती हूँ मैं। तो ऐसी गंदा घर छोड़कर तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मैं घर को साफ़ सुथरा क्लीन करके जाऊंगी। कोई भी चीज़ जैसे टूट गई है उसको हम खुद रिपेयर करके जाएंगे, ऐसा उल्टा छोड़कर नहीं जाएंगे, हम घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जाएंगे, ताकि मालिक मकान खुश हों के अच्छे किराएदार थे, आप पीछे हमारा नाम लेंगे कि इतने अच्छे किराएदार थे, हमें याद तो करेंगे ना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इंसान, आप कोई भी किराएदार हो, इंसान जहाँ रहता है, अब जब तक रहता है तो तब तो वो सफाई करेगा वहाँ की, और फिर जब छोड़ कर जाते हैं तो घर को तोड़ फोड़ करके गंदा करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर को वैसे ही क्लीन करके जाओ, साफ सुथरा, जो टूट फूट हमसे हुई है वो हमें बनाकर हम वैसे ही छोड़ कर जाए उनका घर जैसे उन्होंने हमें दिया था, ताकि आगे वो हमें याद करें, हमारा नाम लें, और अल्लाह ताला भी खुश होता है इससे। तो बस यहीं तक मेरी वीडियो थी, अब ये है कि मैं अब काम शुरू करूँगी, और आज सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में। आज मेरा मूड हो रहा है या तो मैं कौरमा बनाऊँगी या सोच रही हूँ आज मैं बिरयानी बनाऊँ, दोनों में से कोई एक काम करना है मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे दही मंगवाना होगा। अब देखते हैं दही कौन ला कर देता है, मैं मंगवाती हूँ दही। दही तो बिरयानी में भी डलेगा और कौरमे में भी डलेगा, दोनों में हमें चाहिए होगा दही। तो अब दही मंगवाती हूँ, फिर मैं पहले सफाई करूँगी घर की, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन से सब्ज़ियाँ ही खा रहे हैं। चले ठीक है, फिर मैं अभी सफाई स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो नाज़रीन मेरी सफाई हो चुकी है, मैंने खाना भी बना लिया है, और आज मैंने बनाई है बिरयानी, वो भी तह वाली। देखिए कितनी अच्छी बनी है, तह वाली बिरयानी बनाई है। आज मेरा बहुत मूड हो रहा था बिरयानी का, तो आज मैंने सोचा चलें बिरयानी बना लेते हैं। मटन रखा हुआ था घर में, कुछ चीज़ें नहीं थी, वो मैं बाज़ार से लेकर आई, फिर वो मैंने बनाई, और फाइनल। अगर आपको रेसिपी बिरयानी अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आज की रेसिपी भी शेयर करूँगी आपसे। कितना ज़बरदस्त कलर आया है, मटन तेह वाली बिरयानी। और अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है।
और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।